हेलो क्लास, आज की जो प्रॉब्लम दी गई इसमें बताया गया कि अगर फिफ्थ रूट 2 की पावर x इक्वल टू 4 अगर आपके पास ये गिवन है तो हमें निकालना x की वैल्यू, इस x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, फिफ्थ रूट है ना, तो हम बोथ साइड क्या करेंगे, पावर 5 करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे पावर 5, तो आपको क्या मिल जाएगा देखिए, फिफ्थ रूट 2 की पावर x की होल की पावर 5, यहाँ पे क्या आएगा 4 की पावर 5, इतना क्लियर। अब देखिए 5 से ये 5 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, तो बचेगा 2 की पावर x, यहाँ पे बचेगा 4 की पावर 5। अब यहाँ बेस देखिए क्या है 2, यहाँ बेस क्या है 4, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे, बेस 2 में लाएंगे, कैसे लाएंगे देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो इसी हम क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और इस पूरी पावर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, इतना क्लियर। और यहाँ आ जाएगा 2 की पावर x। अब देखिए ये पावर दोनों क्या कर जाएंगे मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा 2 की पावर x इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 10। अब आप क्या करेंगे कंपेयर, जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये और ये वैल्यू क्या है बेस सेम है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 10 आ जाएगी, तो x का मान क्या आ जाएगा 10, और इस तरह से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।